आवर वेजिटेरियन डॉग, तो इसका तो बहुत साल हो चुका है। तो फाइनली पहुंच गया है, तो आज काटने वाला हूं अपना बाल। आगो इस लोगों का रसन है अपना, आगो जाने को बाल काटने जा रहा हूं। तो 2 साल के बाद तो ये अंकल जी के पास ही आया हूं, तो अभी मतलब ऑलमोस्ट 2 साल काटूंगा मैं। हो गया था देखो, लेकिन मेरा रीजन वो है कि मेरा ज़्यादा बाल झड़ रहा है और गर्मी के कारण मतलब काटने जा रहा हूँ, और मेरे से मतलब नहीं होगा, कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल मतलब लड़की लोग कैसे कंट्रोल करता है पता नहीं, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, पूरा गर्मी में बहुत ही तकलीफ हो रहा है। तो लौटे लास्ट टाइम छू लेता हूँ अपने बालों को, नहीं तो पाल के रखा था, वही बुरा भी लग रहा है, देखता मिस करूँगा अपने बालों को। देख सकते हो कैसा लग रहा है मेरे को, पहले से तो बहुत ही अलग ही लग रहा है कि ना, एकदम अलग लग रहा है, लेकिन पहले से बहुत हल्का लग रहा है, एकदम बहुत हल्का। अभी एक अभी मचाज लेता हूँ ये अंकल जी से, और अंकल जी का मचाज आप देख सकते हो। From Assam, the cyclist friend and the biker boy. तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर, और मेरे को तो पूरा अलग ही लग रहा है कि नहीं, पहले से तो पूरा अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। फिलहाल एडिटिंग चल रहा है, मैं एडिटिंग ही कर रहा हूँ, और मेरा काम भी ज़्यादा हो चुका है। तो आज संडे, तो आज का दिन संडे, और सेशन है कल आमगुड़ी कॉलेज में, तो मेरा सेशन वही है आमगुड़ी कॉलेज कल से, कितना बजे है पता नहीं एग्जैक्टली, तो वो मैं आज एंक्वायरी करूँगा। तो मेरा फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो, मतलब ये मेरा यूट्यूब का ऑफिशियल काम अभी कुछ चल रहा था वो हो चुका है। उसके बाद मेरा अभी आप लोग देख सकते हो इधर ये पैकिंग कर रहा हूँ, मतलब कल ही धोया था ये सब मैंने, तो अभी देख सकते हो ये सब यहाँ में सब पैकिंग एक्स्ट्रा करके पैकिंग करके मैंने। ये मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कल रात को नहीं सोया जैसा बोल रहा था, रात को उठाते हुए थोड़ा नींद का प्रॉब्लम है, तो वो मतलब अभी सो रहे हैं। मेरा काम है अभी खाना बनाने का, तो वही खाना बनाने के लिए अभी किचन में जाएंगे, आप लोगों को भी लेके जाएंगे, और मेरा घर का बारे में आप लोगों को इतना भी पता नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोरिंग कराते हैं अभी आप लोगों को। और टाइगर तो पता ही है, वेजिटेरियन डॉग, दिस इज आवर वेजिटेरियन डॉग। तो हम लोग के घर में और एक था चिकू बोल के, पता ही है, तो उसका स्टोरी बोलेंगे, वो भी एक मतलब अच्छा नहीं है, दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों को बोलूँगा उसका स्टोरी। मैं मतलब टूट गया था, वो अभी फिलहाल मेरे घर में नहीं है, वो दूसरे का घर में है, स्टोरी बोलूँगा। जाते हैं, आप लोग पहले भी देख चुके हो, तो वो भी एक छोटा सा कमरा है उस साइड, ये स्टोर रूम जैसा है, मतलब बासन बर्तन ये सब रखता है इधर में, तो उधर में किचन है और उधर में बाथरूम है, तो ये वाला बेडरूम है, बहन का कमरा है बेडरूम के बगल में, तो ये रहा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो देख सकते हो ये सब, तो अभी कंस्ट्रक्शन रुका के रखा है, एक वो इनकम्प्लीट है।
योगा सेशन रूम मतलब इस साइड में ये मंदिर है, ये पूरा हॉल है, बड़ा हॉल है, तो यही मेरा सेशन होता है। पीछे में देख सकते हो मेरा, ये मेरा स्टूडियो है। ऑनलाइन जो योगा सेशन वगैरह तो कुछ भी होता है तो इधर ही करता हूँ मैं, और प्रैक्टिस वगैरह लेफ्ट साइड में करता हूँ। सोच रहे होंगे प्रैक्टिस में मंदिर में क्यों करता हूँ, मेरा प्रैक्टिस मतलब सिर्फ योगा प्रैक्टिस होता है। योगा मतलब होता है, हम लोग सोचते हैं कि योगा ये एक्सरसाइज होता है कि नहीं, नहीं होता है। योग मतलब योग चित्र वृत्ति निरोध टू कंट्रोल द मूड्स एंड मोटिफिकेशन ऑफ माइंड स्टफ्स, मतलब अल्टीमेटली फाइनली और आवर डेस्टिनेशन डेस्टिनी ऑफ योगा इज टू कनेक्ट विथ हिम, टू कनेक्ट विथ द सुप्रीम सोल, टू कनेक्ट विथ द सुप्रीम पावर, टू कनेक्ट विथ लॉर्ड। तो इसीलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यही मेरा रीजन है मंदिर में करने का है। मंदिर में एक ऊर्जा रहता है, एनर्जी रहता है। वही ये बर्तन धोता हूँ, सब्जी काटता हूँ और चावल बनाता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, मेरे को शाम तक आमगुड़ी पहुँचना भी है। इसलिए चावल हो गया है, दाल दाल नॉर्मली ब्रेकफास्ट नॉर्मली है, ये ब्रेकफास्ट ही करते हैं चावल। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं वॉशिंग मशीन में क्यों कपड़ा नहीं धोया है कि नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो मतलब वो गंदा कपड़ा है, गंदा मतलब टॉयलेट और ये स्टूल जो लेटरिन होता है ना वो लगा हुआ है, वो सब कपड़ा था जो 5 डेज से वहाँ में गीला होके मतलब रखा हुआ है, तो इसलिए आज धो दिया। और ये मेरे को अभी से धोना पड़ रहा है, सिलचर से आने के बाद तुरंत आने के बाद जो नेक्स्ट डे पहुँचा है मैं, मतलब 10 या 11 बेडशीट सब कुछ धोया था, क्योंकि वो ग्रैंडमदर का है, ग्रैंडमदर वो बेड रेस्ट पे, तो सब कुछ वही होता है, मतलब उस बेड पे सब कुछ होता है, तो समझ रहे हो ना आप लोग, लास्ट 85 एज है उनका, तो वही है। और वो उनका पाँव टूटा हुआ है, और सडनली रिसेंटली हम लोगों के घर पे अभी भेज दिया गया हुआ है, वो छोटे अंकल का घर में था, वो कुछ पर्सनल मैटर के वजह से हम लोग ऐसे कर दिया है मतलब। तो अभी सब जिम्मेदारी मतलब घर के ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि पिताजी भी नहीं रहता आने के बाद, मेरे को ही करना पड़ रहा है अभी। पिताजी इसी जो मतलब इसी रीज़न के लिए रिजाइन दे रहा है जॉब, वो जो DSC में कर रहे हैं सेकेंड सर्विस, एक सर्विसमैन, वो छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल हो गया है, धो के नहा धो के सब कुछ रेडी हो चुका है अभी, और कपड़ा भी हो चुका है सब, और ये रीज़न के लिए वॉशिंग मशीन में नहीं डालता हूँ। तो सिलसिले से आने के बाद भी वैसे ही डायरेक्ट धोया अभी वन ऑफ का। अभी मैं शाम को जाने वाला हूँ आमगुड़ी वोकल सेशन के लिए, तो वहाँ सेशन 6 दिन का सेशन करके आने के बाद फिर से मेरे को डायरेक्ट यही काम करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो वही उधर ही चोट लगा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मेड बुलाया था, या पहला एक मेड बुलाया, वो आया एक दिन किया, उसे नेक्स्ट दिन से नहीं आया, वो नहीं कर पाएगा ये काम, इसलिए वो कैंसिल हो गया। और दूसरा मेड को बुलाया घर के पास में, तो वो आया एक दिन, उसके बाद वो भी नहीं करूँगा बोला है। मतलब ये काम करने के लिए सबको दिक्कत होता है ना, टॉयलेट वाला कपड़ा धोने के लिए कैसा स्मेल आता है, कैसा धोने के लिए वो दिक्कत होता है। तो खैर छोड़ो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जो कर्म करना है कर्म करना है, मेरे को कोई ये सब मतलब क्या होता है ये सब नहीं लगता। दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बात, मेरा हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है वो बोलो।